बोले परम सत्कार योग सत्संगी जनों, फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कबीर साहिब दे बोल कि जिस मनुख ने अपने हंकार नूं मिटा लिया ते हर तरफ उसकी जय जयकार है। भलो भलो सबको कहे, बुरो न माने कोई। हर एक मनुख उसनूं चंगा ही आखदा है, ये मनुख बहुत चंगा है, बहुत चंगा, क्योंकि इस दी संगत विच बैठण दे नाल एक इलाही खुशबू मिलती है। और अक्सर ऐसा होंदा है, जिहड़ा मनुख परमात्मा दे नाल जुड़ के बैठा है उहदे विच इलाही खुशबू है, अलौकिक नूर है। और उस दे करीब जिहड़ा भी कोई बैठा है उसनूं भी खुशबू आउंदी है। पर जिस मनुख दे विच निमरता नहीं है, जिस मनुख दे विच हंकार बुलंद है, फिर बहुत किस्म दे विकार भी पैदा हो जाते हैं, बहुत किस्म दे। हुण ऐसा विकारी मनुख जिन्हां दे प्रथाए कबीर साहिब जी इस तरह आखदे हन, कबीर राती होवह कारियां काले उभै जंत। कबीर साहिब जी बहुत गहरी रमज विच पई बोलदे ने, बहुत गहरी रमज, कि जदों अंधकारमई रात होवे ते फिर ऐसे मनुख उठदे ने जिन्हां दे दिल भी काले ने, जिन्हां दे विचार भी काले ने, जिन्हां दे कर्म भी काले ने। वो उठदे ने कि चोरी करनी है या पाप करना है, अपराध करना है। उठदे ने अंधेरी रात विच, जदों वो किसी नूं लुटदे हन, चोरी करदे ने, भावें वो धन बहुत इकट्ठा कर लेंदे ने। पर कबीर साहिब जी नूं एक गल कहनी पई, ले फाहे उठ धावते से जाउन मारे भगवंत। कि एक गल चेते रखना, भावें उन्हां दे हत्थ विच फाही दा फंदा हुंदा है कि किसी नूं लुटना है, किसी नूं तबाह करना है, पर वो एक गल चेते रखण कि उन्हां ते भी परमात्मा दी मार पई होई है। परमात्मा दे दर तों वह भी नहीं बख्शे जाणगे, वह भी गुनाहगार हन, वह भी गुनाहगार। ये बहुत वड्डी मार पई है उन्हां नूं भी, कि जिहड़े मनुख परमात्मा नूं छड्ड के ते विकारां दे विच पाए होए ने, उन्हां नूं परमात्मा दी मार है। ते मनुख दा जिहड़ा जीवन है वह विकारां तों किस तरह मुक्त होवे, किस तरह खलासी होवे। आप जी कहते हैं फिर संगत करनी है, क्योंकि संगत एक ऐसी अध्यात्मक मजलिस है जिथे मनुख दे विचार बदलदे ने, ख्यालात बदलदे ने। मनुख दे जदों ख्यालात बदलदे ने ते ओ मनुख भी बदल गया। और अक्सर ख्यालात करके ही मनुख बदलता है, ख्यालात करके ही गुरमुख है, तो ख्यालात करके ही मनमुख है। क्योंकि कई दफ़ा असी कह देने ये मनुखता बदल गया है। फिर किस तरह बदलिया? कहते ने ये ख्यालात बदल गए, ये विचार बदल गए, ये मनुख पहले वर्गा नहीं रहा, हुण ये बदल गया है। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि इस मनुख दे पहला भी दो हत्थ सी ते हुण भी दो हत्थ ने, पहला भी इसके दो पैर सन ते हुण भी दो पैर हन, ते किस तरह बदल गया? कहंदे ने विचार करके बदल गया। पहला विचार कुछ होर सी ते हुण कुछ होर हन, विचार करके बदल गया। तो विचारां नूं बदलण वास्ते संगत चाहिदी है। कबीर साहिब जी कहंदे ने, कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियों ढाक पलास। पहला ये दोवें ही बूटे जगत के सामने रखे, चंदन का बूटा ते ढाक पलास, दोवें जगत के सामने रखे ने। जिहड़ा ढाक पलास है वो विशाल है, जिहड़ा चंदन का बूटा है वो छोटा जिहा। ते इन्हां दोवां दी जेकर मैं तुलना करां, आप जी नूं अर्ज करां, एक बूटा ऐसा है जिहदे विच खुशबू आउंदी है, और दूजा बूटा ऐसा है ढाक पलास जिहदे विच कोई खुशबू नहीं है, ढाक है पलास। जिवें सिंबल का दरखत होंदा है, बहुत विशाल होंदा है। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब जी सिंबल दे दरखत वल इशारा करके कहंदे ने कि ऐसा दरखत है जो बहुत वड्डा है, संघना है, पर ना उहदे फल किसे कम दे ने, ना फुल किसे कम दे ने, ना उहदे पत्ते भी किसे कम दे ने। फल फिके फुल बक बकें, कम न आवें पत्त। संसारिक तल ते जे वेखिया जावे तां सिंबल दा बूटा कौन है, सिंबल दा दरखत कौन है? कहंदे ने कि एक ऐसा पुरुष जिहदे कोल धन तां बहुत है पर वो किसी नूं दान नहीं कर सकदा, वो सिंबल दा दरखत है। मनुख दे कोल ज्ञान तां बहुत है पर किसी नूं वंडदा नहीं, ऐसा ज्ञानी पुरुष ज्ञानी नहीं, सिंबल दा दरखत है, सिंबल दा। मनुख बहुत शूरवीर है, शरीर विच बहुती ताकत है पर किसी नूं पनाह नहीं दे सकदा, कहंदे ने ये मनुख शूरवीर नहीं, ये सिंबल दा दरखत है, सिंबल दा दरखत। कबीर साहिब जी की कहना चाहते ने? आखदे ने, कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियों ढाक पलास। उस तो चंगा है ढाक पलास तो चंदन का बूटा चंगा है, चंगा है। क्योंकि ओए भी चंदन हो ही रहे, बसे जो चंदन पास। ये संगत की गल है कि जदों ओ ढाक पलास चंदन की संगत करता है तो उहदे विच भी खुशबू आउंदी है चंदन की। जदों मनुख संगत विच बैठदा है, संगत दे चंगे गुण उहदे विच प्रवेश कर जाते हैं। और गुरु नानक साहिब दे घर की मर्यादा है, आप जी कहते ने तो संगत करिया कर, जिथे भी जाते ने बाबा जी ये फरमाते ने तो संगत कर, संगत कर। फिर संगत की परिभाषा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बहुत ही सोहने अल्फाज विच दिंदे ने। संगत किस नूं कहंदे ने? सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। संगत उस नूं कहंदे ने जिथे नाम की गल हो रही है, वो संगत है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। बहुत सारे उदाहरण कि जदों कोई मनुख संगत करता है उसकी दशा किस तरह की आती है। मैं वह भी अर्ज करा। कबीर साहिब जी दे ही बोल हन कि जदों गंगा नदी दे विच छोटे मोटे बहुत सारे नाले उहदे विच जाके डिगदे ने ते उह सारे दे सारे गंगा रूप हो जाते हैं, सारे दे सारे। और बाणी इस तरह फरमाउंदी है कि गंगा कै संग सलिता बिगरी, सौ सलिता गंगा होए निबरी। और सरिता तो मिट गई और गंगा बन गई। जेकर तांबे ने संगत की पारस दी और तांबा मिट गया, कंचन बन गया, सोना बन गया। ते कबीर साहब जी कहते ने कि जेकर कोई मनुख राम की संगत विच आके विगड़ जावे तो आप जी की कहते ने, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। कितनी बड़ी गल आख देती कबीर साहब ने कि कबीर साहब ने संगत की गुरमुखां दी, साधुआं दी, संतां दी। ते कबीर कबीर ना रहा, कबीर मिट गया, कबीर राम बन गया, प्रभु बन गया। तो धन कबीर साहिब जी कहते ने, ओए भी चंदन होई रहे, बसे जो चंदन पास। कबीर साहिब का युग एक ऐसा युग सी जिथे धर्म की दुनिया विच कर्मकांड बहुते सन। ते कबीर साहिब जी प्रहार करते हैं कर्मकांडा ते फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कबीर साहिब नूं सवाल पूछ लेंदे ने, ऐसे सवाल कि जो कबीर साहिब की बाणी दे विचों ही पैदा हुए ने। जेकर मैं इस तरह अर्ज करा कि इसे श्लोक विच कबीर साहिब कहते ने, चंदन का बिरवा भला बहुत सुंदर है, चंदन का बूटा, क्योंकि वो ढाक पलास नूं भी खुशबू देंदा है। जदों उसदी संगत कीती ते उसनूं भी खुशबू मिल गई। ते जिहड़े तार्किक लोग सन उन्हां ने के सवाल खड़ा किया, कहण लगे कबीर साहिब जी आप जी ने कह दिता जगत नूं कि चंदन के बूटे की संगत की है, ढाक पलास ने, उहदे विच खुशबू आ रही है। पर कई दफ़ा ऐसा भी होंदा है कि चंदन के बूटे के करीब बांस वसदा है पर उहदे विच खुशबू नहीं आती। तो इसका की कारण है? या फिर ये श्लोक तेरा ठीक नहीं है, या फिर उसके बारे भी कुछ समझा दे। बांस विच खुशबू क्यों नहीं आती? जे बांस विच खुशबू नहीं आती चंदन की संगत करन दे नाल, ते फिर ढाक पलास विच किस तरह आ गई? या फिर उहदे विच भी खुशबू नहीं है ते उहदे विच भी नहीं है। कबीर साहिब जी कहंदे ने, ये जवाब भी सुन लवो। ते आप जी फरमाउंदे ने, कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया, यों मत डूबहो कोए, चंदन कै निकटै बसै, बांस सुगंध न होए। ये जवाब कबीर साहब का। कबीर साहब जी आखदे ने कि बांस दे विच सुगंध नहीं आती चंदन की, उहदा कारण है, बहुत प्यारा कारण है। की कारण है? कहते ने, बांस अपने हंकार दे विच डुबया होया कि मैं बहुत उच्चा, मैं बहुत लम्मा, ते चंदन का बूटा छोटा जिहा है, मैनू की देगा। हुण कितनी डूंघी विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है कि चंदन का बूटा छोटा है, बांस बहुत उच्चा है, बहुत लम्मा है, ते इस करके उहदे विच खुशबू नहीं आती। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਫਿੱਟ ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਂਸ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। जेकर तीजा अवगुण वेखिया जाए तो वह अंदरों बिल्कुल पोला है। ये तीजा अवगुण है बांस का। ते चौथा अवगुण की है? कहते ने ये अपने कुल का घाती है, अपने कुल का। मैं फिर अर्ज करा, बांस दे विच जिहड़े अवगुण हैं, एक तो बहुत उच्चा अहंकारी है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹਨ, फिर वह पोला है, फिर वह अपने कुल का घाती है। और कुल का घाती इस करके कि ਜਦੋਂ बांस आपस ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, पूरे का पूरा जंगल सड़ जाता है, पूरे का पूरा जंगल तबाह हो गया, तबाह हो गया। तो ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ पुरुष है, कहते ने ऐसा मनुख भी बांस वर्गा है। प्रथम अवगुण वह हंकार के नाल भरिया पिया है, और हंकारी मनुख कदे भी नहीं चुकता, कदे नहीं। हंकारी मनुख दूजे नूं चुका देंदा है पर खुद नहीं चुकता, टुट जाता है पर झुकता नहीं। कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जिहड़ा अकड़ गया वह तो फिर मुर्दा है, तो जिहड़ा झुकदा है उहदे विच जान है, वह जीउंदा है। ते हंकारी पुरुष कदे नहीं झुकदा, दूजे नूं झुकांदा है। हंकारी पुरुष दे विच खालीपन है, भाव ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਪਰਥਾਏ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। उसने खोता कह देता। गुस्ताखी माफ़ करना, जेकर किसी मनुख नूं असीं कह दईए तू खोते दा खोता है, उसने पै जाना है। तो कौन हुंदा है कहण वाला? पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बोल बुलंद आवाज़ विच कह रहे ने, नानक से नर असल खर। असल खोता है जिहदे कोल गुण नहीं एक भी, फिर भी हंकार दे नाल भरिया पिया है। तो जिथे उहदे कोल हंकार का अवगुण है, खालीपन का अवगुण है, फिर उहदे कोल गंढां भी बहुत ने। गंढां दा भाव इस गल दा वितकरा कि कोई खत्री है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, मेरी जाति उची है, ये नीवा है, मैं अमीर हाँ, ये गरीब है, मैं तंदुरुस्त हाँ, ये रोगी है। ये गंढां हंकारी मनुख विच बहुत आउणगियां। तो फिर ऐसा मनुख कुल का घातक होता है, भाव ईरखा दे नाल भरिया होता है, द्वैत नाल भरिया होता है ऐसा मनुख। कबीर साहिब जी आखदे ने, कबीर बांस बड़ाई बोडिया, यो मत डूबो हो कोए, चंदन के निकटे बसै, बांस सुगंध ना होए। चंदन की संगत विच वसदा है पर फिर भी खुशबू नहीं है, खाली दा खाली है, खाली दा खाली। हुण एक मैं अर्ज करा, जदों भी संगत विच आउणा कुछ बन के ना आउणा, कुछ बन के ना आना कि मैं बहुत वड्डा अमीर हाँ, मैं बहुत वड्डा विद्वान हाँ, मेरी जात बहुत उच्ची है, मेरे को रुतबा बहुत उच्चा है, गुस्ताखी माफ कदे भी बन के ना आना। तो सिख धर्म के महान विद्वान संत सिंह जी मशकीन कहते सी, हे पुरखा जेकर तेरे को अमीरी है मुबारक है, जेकर तेरे को ज्ञान है मुबारक है, तेरे को रुतबा है मुबारक है, पर एक काम करिया कर, जिथे जोड़े उतारदा है तो अमीरी का हंकार भी उत्थे रख दिया कर जिथे जोड़े पए ने। जे तेरे को रुतबा है रुतबे का हंकार उत्थे ही रख दिया कर जिथे जोड़े उतारे ने उत्थे रख दिया कर। बाबे नानक दे घर विच खाली होके आना ते भर के जाना है। जेकर पहला ही भर के आ गए, मैं धनवान हाँ, मेरे को बहुत उच्चा रुतबा है, मेरे को बहुत ज्ञान है, तो कहते ने जो तू पहला ही भर के आ रहा है तो ये विच की भरिया जाएगा, तू खाली दा खाली लौट जाएगा, खाली दा खाली। इसका एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी नूं मैं दवां। कहते ने कि कोई विद्वान पुरुष किसी फकीर दे कोल जांदा है, फकीर नूं कहता है कि जितना कुछ परमात्मा आप जी ते बरसिया है मेरे ते भी कृपा कर दो। ते फकीर कहता है जरूर होवेगी, पर एक शर्त है, सब तो पहला आप जी नूं बैठ के मेरे नाल चाह पीनी पैगी, रब दी गल बाद विच करांगे, पहला चाह पीनी है। ते वो फकीर की करदा है, वो चाह खुद बनांदा है ते उस विद्वान पुरुष के हाथ में कप फड़ांदा है ते उहदे विच चाह पाउंदा है। ते अद्धा कप भर गया, विद्वान पुरुष कहता है बस हुण ठहर जाओ, पर वो फकीर फिर भी चाह पाई जा रहा है, पाई जा रहा है, कप भर जाता है। विद्वान पुरुष कहता है हुण बस करो, जितनी भी चाह पाओगे वो सारी दी सारी चाह फर्श ते डुलेगी, कोई फायदा नहीं होता। फकीर हंस पैंदा है ते हंसते हुए की कहता है, मैं तो समझदा सी कि तू मूर्ख है, पर तू तो बहुत सियाणा है, बहुत चतुर है। ते वो विद्वान पुरुष कहता है, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतना ही किया कि भरे हुए कप विच जितनी भी चाह पाओगे सारी दी सारी चाह डुलेगी जमीन ते। ते ओ दरवेश की कहता है, भाई यही गल है, तू पहला ही ज्ञान दे नाड़ विचारां दे नाड़ कूड़ा करकट दे नाल भरिया पिया है, मैं जितनी भी अध्यात्मक ज्ञान की गल करांगा वो जमीन ते डुलेगी, क्योंकि तू पहले ही भरिया होया है। ते ठीक होवेगा, इन्हूं पहला खाली कर दे, पहला खाली कर। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जितने खाली होवोगे उतने भरे जाओगे, और जितने भर के आओगे उसी तरह वापस लौट जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और ये मर्यादा धन गुरु नानक साहिब के घर विच जेकर कोई सेवक खाली होके आया वो लै गया। गुरु नानक साहिब के घर विच जेकर कोई भर के आया हंकार दे नाल ईरखा दे नाल, भावें पुत्र ही क्यों ना होवे, खाली दा खाली रह गया। तो ये दौलत उसनूं मिलती है जिस ते कोल निमरता है, निमरता है। तो कबीर साहिब जी कहंदे ने कि बांस तां डुब गया हंकार दे विच, किते तू ना डुब जाना संकार दे विच, क्योंकि इस हंकार दे विच नुकसान तेरा अपना है, और किसी का नहीं है। क्योंकि हंकार दी जो सज़ा है वो की है, धन गुरु नानक साहिब जी बाणी विच फरमाउंदे ने कि हंकार एक ऐसी धुरी है जिहदे नाल फिर जन्म है, फिर मरण है, मरण है फिर जन्म है। हाव विच आया हाव विच गया, हाव विच जमिया हां विच मूवा, हां विच दिता हां विच लिया, हां विच खटिया हां विच गया।